तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आपके पास नया पपी है या फिर लेने वाले हैं या फिर आपने अभी ले लिया नया पपी, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आपके पपी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको हैरान होना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी मिस्टेक आप ना करें, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि अभी बारिश का मौसम चालू है, दोस्तों बहुत जगह पे बारिश ज़्यादा गिर रही है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें कि आपके आजू बाजू जो भी स्ट्रीट डॉग है उनकी ज़रूर से हेल्प कीजिएगा, डॉग को खाना दीजिएगा। और दोस्तों कोई भी एनिमल्स हो, गाय वगैरह हो, तो उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जो डॉग्स होते हैं उनको सूखी जगह पर ज़रूर ले जाए ताकि वो आराम से बैठ सके और दोस्तों वहाँ पर उनके तक पानी ना पहुँचे। तो दोस्तों इतनी हेल्प उनके लिए ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को 500 लाइक ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारी दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप गलती से कुछ कर देते हो जिसके कारण डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सेकंड टाइम डॉग ओनर हो तो दोस्तों उनको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो उस हिसाब से वो लोग अपने एक्सपीरियंस से कर देते। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्या करते लोग जब नया पपी लेके आते, तो दोस्तों नॉर्मली वो क्या करते 10 या 15 दिन के बाद या फिर 2-4 दिन के बाद उन्हें नहलाना चालू कर देते। बट दोस्तों ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉग को या फिर पपी को पहले जब तक वो 1.5 या 2 मंथ का नहीं हो जाता तब तक उसको नहीं नहलाना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पपी ज़्यादा ख़राब हो गया, मिट्टी में घूम रहा है, क्योंकि वो बच्चा होता है यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि गीला कपड़ा करना है। और दोस्तों गीला कपड़ा आपको ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके उस टाइप का करना है ताकि उसको सर्दी या बुखार ना हो। फिर आपको उसको अच्छे से पोंछ लेना है, और दोस्तों उसके बाद सूखे कपड़े से भी उसको अच्छे से पोंछ लेना है। फिर आप कंघी वगैरह कर सकते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको पपी ख़राब भी हो जाता है तो दोस्तों आप आसानी से उसे साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा स्पंज वगैरह आता है जो मुलायम कपड़ा आता है वो यूज़ कीजिएगा, रफ़ कपड़ा बिल्कुल ना यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों कुछ ऐसे जो जो इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती साबुन शैम्पू वो बिल्कुल ना यूज़ कीजिएगा, बस आप पानी में भिगो के उसे साफ़ कर सकते हैं पानी निचोड़ के। तो दोस्तों उस टाइप का उसके अंदर आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ केमिकल नहीं, कुछ नहीं, जिसके कारण आपके डॉग की पपी की स्किन को कुछ इन्फेक्शन ना हो। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल जैसा पानी उस टाइप का रहने देना, आपको साबुन शैम्पू और भी कुछ उसके अंदर मिक्स नहीं करना है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि दोस्तों अगर आप नया पपी लेके आते हो तो दोस्तों नॉर्मली उसको खुला छोड़िएगा, मतलब घर में आप एक रूम हो या 2 रूम हो तो दोस्तों वहाँ पे उसको छोड़िएगा, यानी आराम से दोस्तों या वहाँ खेल सकता है, एक्टिव रहेगा उसके कारण। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो डॉग ओनर होते हैं उसको बांध के रखते हैं, तो दोस्तों बांध के बिल्कुल मत रखिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम उसको 15-20 मिनट या फिर 15 शाम को 15-20 मिनट ऐसा बांध के रखना है दोस्तों, क्योंकि आगे जाके वो बड़ा हो तो फिर आप बांध के रखें तो दोस्तों अच्छे से रह सकेगा। अगर आप दोस्तों उसको कभी बांध के मतलब ज़्यादा देर तक बांध के रख देते तो दोस्तों उसमें प्रॉब्लम होगी, वो एक्टिव नहीं रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा एक जगह पर, ऐसे उसके कारण दोस्तों बीमार हो सकता है उसको और बहुत सारे बुखार या फिर ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जितना हो सके उतना खुला छोड़िएगा और दोस्तों थोड़ी देर के लिए उसको बांध के रखिएगा जिसके कारण आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो, जिसके कारण वो एक्टिव भी रहे, यहाँ वहाँ घूमेगा और दोस्तों उसको जो एक्सरसाइज होती है वो प्रॉपरली होती रहेगी। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है कि दोस्तों नया नया पपी होता है तो बाइट करता है, क्योंकि दोस्तों उसके नए नए दांत आते हैं और दोस्तों दांत आने के कारण कभी कभार एक साथ नहीं आते, धीरे धीरे करके उसके दांत आते, दोस्तों दांत में खुजली होती है, उसको कभी कभार दर्द भी होता है, उसके कारण दोस्तों आपको बाइट करता है और आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों कि वो मुझे बाइट कर रहा है, एग्रेसिव तो नहीं है मेरा डॉक्टर। दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका पपी थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद आपको तुरंत ही वैक्सीनेशन कम्प्लीट करवानी है। वैक्सीनेशन कम्प्लीट करवाने के बाद दोस्तों वो अगर काट भी लेता तो उसको आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट दोस्तों काट लिया तो एक बार डॉक्टर के पास आप जरूर चेकअप कराने जरूर जाए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों वो काटे ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको कुछ टॉय वगैरह देना है, कुछ खाने को देना है, चॉपस्टिक वगैरह उसको देनी है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है हाउ टू स्टॉप डॉग बाइटिंग, वो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में भी आपको दे दूंगा, फिर वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि क्या है दोस्तों, आप नया पपी लेके आने के बाद दोस्तों कभी कभार आपको पता नहीं होता है, फिर आपको जानकारी नहीं होती उस डॉग के बारे में, तो दोस्तों ऐसे में आप उसे कुछ भी खाने को दे देते हो। तो दोस्तों आपको कुछ भी खाने को नहीं देना, न्यू पपी को क्या क्या खाने को दे इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप वो देखिएगा तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप घर का कुछ भी खाने को मत दीजिएगा जब तक वो 1.5 या 2 मंथ का नहीं हो जाता, उसके बाद आप उसे
अच्छे धीरे धीरे करके आप स्टार्टर फूड स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो भी वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वो है कि दोस्तों आप 30 या 35 दिन के बाद ही दोस्तों डॉग एडॉप्ट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ज़्यादा जल्दी डॉग एडॉप्ट करते हैं, तो दोस्तों उनको उनको पता नहीं होता कि कैसे संभाला जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आती है। तो कम से कम दोस्तों कोई भी आपको डॉग ब्रीडर या फिर डॉग शॉप वाला कम से कम 30 दिन के अंदर आपको दे रहा तो बिल्कुल मत लीजिएगा 30 दिन का होने के बाद। और कभी कभार कोई डॉग शॉप या फिर डॉग ब्रीडर झूठ भी बोलते हैं आपसे कि ये 30 दिन या 35 दिन का है, बट दोस्तों आपके उसके हाइट बॉडी से पता लग जाएगा कि आपको ये 30 दिन है या नहीं, तो ज़रूर से वो आप एक बार आइडेंटिफाई कीजिएगा कि उसके जो बाकी जो पप्पी है वो भी आपको सेम लग रहे हैं या फिर ये ज़्यादा छोटा है तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, वो लोग जल्दी पप्पी दे देते हो, फिर आपका वो भी बीमार होता है, उसको डायरिया, फिर दोस्तों लूज मोशन, ऐसे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो जितना हो सके उतना दोस्तों 30 या 35 दिन का आप ज़रूर लाएँ। और दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों उसको बोल के रखिएगा कि जब 35 दिन या फिर 40 दिन हो जाए उसके बाद ही मैं डॉग ले जाऊँगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि दोस्तों बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं कि जो नया पपी लेके आते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक बार डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप चार्जेस होते हैं उनके कुछ 200 या 250 रुपये, बट दोस्तों अगर आप एक बार चेकअप करा लेते हैं तो दोस्तों आपके पपी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपको पता चलता है कि क्या दोस्तों उसकी कंडीशन थी क्या नहीं, डॉक्टर को भी पता चल जाता है कंडीशन, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है दिक्कत हो तो जल्दी से इलाज भी हो सकेगा। अगर आपका पपी एकदम सुस्त है एकदम मतलब कमज़ोर है तो दोस्तों उसके लिए भी वो दवाई दे देगा, और बुखार वगैरह हो या फिर होने वाला है तो दोस्तों वो भी एक बार चेकअप करा लेंगे। तो जितना हो सके उतना एक बार ज़रूर से चेकअप ज़रूर कराए अपने डॉग का पपी का। तो दोस्तों ये मैंने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताए, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इसकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए और भी पार्ट टू वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिएगा, दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर भी नया नया अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।